चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3i cap + 4j cap इन रिवर एंड वाटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 3i cap - 3i cap - 4j cap विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले देखो, फिगर आप बना लो, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने बना दिया, वाई वाई डैश, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो मान लो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, 3i cap हो गई और +4j cap, ये किसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब वाटर चल रहा है, वाटर इज मूविंग विथ वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आप करेंगे तो आप लिखोगे क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस लॉजिक से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू कितनी है? 3i cap + 4j cap। जबकि वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वो है -3i cap - 4j cap। करेक्ट है, तो ये वैल्यू यहां रख दो, 3i cap + 4j cap माइनस ऑफ -3i cap - 4j cap। सही है, दोनों जुड़ जाएंगे, 6i cap हो जाएगा +8j cap हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर की ये वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ना, 6i cap + 8j cap। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।